पर श्योपुर से जहां बिजली समस्याओं को लेकर ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। विधायक बाबू जंडेल समेत ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बीच सड़क पर विधायक बाबू जंडेल बैठ गए धरने पर और सलापुर हाईवे पर जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई क्योंकि ग्रामीणों ने यहां पर जाम लगा दिया था। ऐसे में जान जोखिम में डालकर लोग निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, दरअसल बिजली की समस्या से यहां पर लोग परेशान हैं और विधायक समेत ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। बिजली की मांग पूरा करने की यहां पर आवाज उठाई गई है, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि एक तरफ जब बीच सड़क पर जाम लगा है तो दूसरी तरफ लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर एक वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। सलापुरा में बिजली की काफी दिनों से समस्या चल रही है। कल की बिल्कुल लाइट नहीं है, पानी नहीं है। रात में मोहल्ले वाले इनके बच्चा बच्ची परेशान है, रात भर मच्छर खा रहे हैं। मैंने रात एसी साहब को फोन लगाया, एसी साहब ने मोबाइल उठाया, मेरे से बात की। एसी साहब ने डी पे फोन लगाया, डी से मेरी बात हुई। और जो मिस्त्री था यादव इस सलापुरा में जो नाइन मैन, उसने किसी अधिकारी का फोन नहीं उठाया। जब वरिष्ठ अधिकारी एसी का एक नाइन मैन फोन नहीं उठा रहा है तो बताओ ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सी सरकार है? एक मिस्त्री एसी का फोन नहीं उठा रहा। और संवाददाता नितिन सिंह सोलंकी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, क्योंकि विधायक भी यहां पर बैठे हुए चक्का जाम करके। दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ परिजन यहां से जब गुजर रहे थे असियां लेकर तो वो भी धरने पर बैठ गए इसके विरोध में। क्या कुछ फिलहाल स्थितियां हैं, क्या जाम क्लियर करवा दिया गया है? जी बिल्कुल, जानकारी के अनुसार बता दें हम लोग मौके पर मौजूद थे और कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल धरने पर बैठे, श्योपुर से सवाई माधोपुर हाईवे नहर की पुलिया पर बैठे तो दोनों तरफ से जाम लग गया और लगातार दो घंटे से यहां पर जाम लगा हुआ है। जाम लगने का कारण है बिजली की समस्या। श्योपुर से सलापुरा क्षेत्र में जो कि ग्रामीण में आता है और वहां पर एक से एक बीआईपी स्कूल है, उनको शहरी लाइट से जोड़ा जा रहा है, पर ग्रामीण जो रह रहे हैं, जो लोग वहां रह रहे हैं, उनको लगातार लाइट की समस्या से वहां जूझना पड़ रहा है। लगातार चार दिनों से उस क्षेत्र में लाइट नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो गुस्सा इन लोगों ने आकर यहाँ पर जाम कर दिया। और साथ ही हमने तस्वीरों में देखा है कुछ परिवार ऐसे हैं जो बीमार हैं, जो काफी परेशान यहाँ पर हुए और वो नाराज हुए और लड़ाई करते नजर आए। वहीं पर एक परिवार ऐसा था जो अपने परिवार जन से जन की एक अस्थियां लेकर के रामेश्वर बहाने के लिए जा रहे थे, विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, तो वहां वो भी काफी लगातार बहुत देर से गुजारिश करते आए कि हमें निकल जाने दीजिए, पर निकलने नहीं दिया गया। तो वहीं वो अपनी अस्थियां लेकर के आ गए और धरने पर बैठ गए। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला समस्याओं को लेकर ही ये प्रदर्शन किया गया था, लेकिन इस प्रदर्शन के चलते दूसरे लोगों की और समस्याएं बढ़ गई। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।